हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वोल्टेज रिले के बारे में। यहां पे मेरे पास सिंगल फेस और थ्री फेस दोनों की ही वोल्टेज रिले है। ये सिंगल फेस की है और ये थ्री फेस में है। दोनों को हम लोग कवर करेंगे और जो कनेक्शन और सेटिंग जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग सिंगल फेस के साथ में करके देखेंगे यहाँ पे। और ये जो सिंगल फेस का इन लोगों का मॉडल है, ये काफ़ी यूनिक मॉडल है। ओके, एंड यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये खाली स्पेस जो दिख रहा है ये इसकी डिस्प्ले है। जब हम लोग इसको अभी पावर देंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हमको वोल्टेज वगैरह शो करेगा और जो भी हम लोग यहाँ से पैरामीटर्स चेक करेंगे या फिर चेंज करेंगे तो वो डिस्प्ले मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने अपनी ब्रांडिंग दे रखी है और इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो DS इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये मेड इन यूक्रेन कॉम्पोनेंट है, इसकी कीव में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। बाकी अगर हम लोग इस वोल्टेज रिले की बात करें तो इसका जो मिनिमम वोल्टेज है ना, मतलब एक तो लोअर लिमिट होती है एक अपर लिमिट होती है, तो अपर लिमिट जो है इसकी वो 220 से 280 वोल्ट है और लोअर लिमिट इसकी 120 से 210 वोल्ट है। मींस कि इसको आप लोग अगर मैक्सिमम वोल्टेज अगर सेट करना चाहो तो 280 वोल्ट तक मैक्सिमम वोल्टेज आप लोग सेट कर सकते हो और मिनिमम वोल्टेज आप लोग इसमें 110 वोल्ट 120 वोल्ट तक कर सकते हो, सॉरी ठीक है 120 वोल्ट तक आप लोग इसमें आपकी मिनिमम वोल्टेज सेट कर सकते हो। और ये जो आपका कंपोनेंट है वोल्टेज रिले, इसको आप लोग वहाँ पे यूज कर सकते हो जहाँ पे आपका अंडर वोल्टेज या फिर ओवर वोल्टेज का इश्यू रहता है। मान के चलो कि भाई आप किसी ऐसी लोकेशन में रहते हो जहाँ पे वोल्टेज कभी फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी बहुत डाउन चला जाता है, तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है, हम लोगों के जो लोड है, यानी कि चाहे कोई आपका कोई सिंगल फेज का लोड है या फिर कोई आपका थ्री फेज का लोड है, तो उसकी जो लाइफ होती है ना, उसकी लाइफ में उसका असर पड़ता है। ओके, और अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसकी वजह से हमारे जो अप्लायंसेस हैं, हमारी जो मशीनें हैं, वो डैमेज हो सकती है। तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, आप लोग अपने घरों में भी सिंगल फेज के इस टाइप के वोल्टेज रिले यूज कर सकते हो और इंडस्ट्री में इस टाइप की वोल्टेज रिले यूज होते हैं थ्री फेज के लिए, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास जो ये वोल्टेज रिले है इसकी बिल्ड क्वालिटी रियली बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। दोनों ही सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों में ही बिल्ड क्वालिटी इन लोगों ने काफ़ी अच्छी दे रखी है। इसकी माउंटिंग डिन रेल माउंटिंग है, ठीक है। और अगर आपको कंपैरिजन करना हो इन कंपोनेंट्स का तो आप लोग सीमेंस स्नाइडर के साथ में या ABB जो इस टाइप के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ में आप लोग इसकी क्वालिटी को कंपेयर कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपली इसमें इनपुट सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, 1 और 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइन और न्यूट्रल। एंड आउटपुट में मैं एक काम करूँगा, मैं एक 0.5 वॉट का लैंप यहाँ पे या फिर LED बल्ब यहाँ पे लगाऊंगा एंड उसके बाद हम लोग इसकी जो सेटिंग्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इन बटन्स की हेल्प से, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ एंड आउटपुट भी इसकी कनेक्ट करके फिर हम लोग इसको चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने इसके कनेक्शन यहाँ पे कर दिए हैं। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे पावर ऑन करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे पावर ऑन कर दिया, अभी यहाँ पे आपको वोल्टेज देखने को मिल रहा होगा, लगभग 210 वोल्ट के आसपास यहाँ पे है। और अगर मैं अपने ऑटो ट्रांसफॉर्मर से थोड़ा सा वोल्टेज को अगर रेगुलेट करूँ तो यहाँ पे आपको वोल्टेज देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, 195-90 वोल्ट के आसपास आ गया। और ये अभी अंडर वोल्टेज की जो सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कट हो गया। मैं अभी नॉर्मल वोल्टेज पे लेके आता हूँ इसको, ठीक है, ये नॉर्मल वोल्टेज पे आया तो 197, और अगर अपर लिमिट तक लेके जाएंगे इसको तो अपर लिमिट में भी ये कट यहाँ पे कट कर देगा, ठीक है, क्योंकि अपर लिमिट मैंने इसमें 230 वोल्ट सेट कर रखी थी। ओके, तो ये है इसका बॉक्स और इसमें मैन्युफैक्चरर 5 ईयर्स की वारंटी देता है। और इसी के साथ में ही यहाँ पे हमको मैनुअल मिला जिसमें कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं इस कॉम्पोनेंट की एंड उसके साथ में जो पैरामीटर्स किस तरीके से सेट होंगे इसके वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसको हम लोग 1 by 1 देख लेते हैं। उससे पहले अगर हम लोग इसकी टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो ये जो मॉडल है हम लोगों का वो D263 है। D263 मीन्स ये 63 एम्पियर का इसका रेटेड लोड करंट है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखो। एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज लिमिट यहाँ पे दी हुई है, अपर लिमिट क्या है, 220 से लेकर के 280 वोल्ट है अपर लिमिट और लोअर लिमिट 120 से
210 वोल्ट है। रेटेड पावर यहाँ पे दिया हुआ है इसका, एंड रेटेड पावर इन 10 मिनट्स यहाँ पे 80 एम्पियर है, 10 मिनट तक 80 एम्पियर तक का भी लोड आप लोग इससे कंट्रोल कर सकते हो। ब्रेकिंग टाइम यहाँ पे वो भी दिया हुआ है, पावर वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि लेस देन 100 वोल्ट नहीं होना चाहिए और मोर देन 420 वोल्ट नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि 100 से 420 वोल्ट के बीच में अगर आपका वोल्टेज रहता है तो कोई इश्यू नहीं है, आपका डिवाइस प्रॉपर तरीके से काम करेगा। पावर कंजम्पशंस लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, कि भाई पावर कंजम्पशंस कितनी है, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाकी की जो डिटेल्स हैं वो अपने मतलब की यहाँ पे है नहीं। अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं इसके पैरामीटर्स में कि पैरामीटर्स किस तरीके से सेट होंगे। पैरामीटर्स में इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, हमको कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे सेट करनी होती हैं। अगर आप लोग इस प्लस का जो बटन है इस पर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो ये ब्लिंक करेगा। अब ये ब्लिंक आपको वो वैल्यू दिखाएगा जो इसमें अपर वैल्यू यानी कि जो ओवर वोल्टेज की जो सेटिंग है वो जो सेट होगी वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। जैसे कि मैं प्लस के इस बटन को क्लिक करता हूँ तो मेरा ओवर वोल्टेज यहाँ पे 230 वोल्ट सेट है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार और यहाँ पे प्रेस करता हूँ, 230 वोल्ट है। अब मैं अगर बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पे सिंगल क्लिक करके या फिर कंटिन्यू यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके मैं इसको कर सकता हूँ। ये 280 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अगेन मैं इसको कम कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको अगेन एक काम करता हूँ 230 वोल्ट के आसपास लेके आता हूँ, ठीक है, ये 230 वोल्ट हो गया। एंड उसके बाद अगेन अगर हम लोग जो ये माइनस वाला बटन है इसको अगर हम लोग प्रेस करें तो अब ये हमको अंडर वोल्टेज की सेटिंग बताएगा। जो हम लोगों ने अंडर वोल्टेज की सेटिंग कर रखी थी वहाँ पे, मतलब जो ये ब्लिंक कर रहा है ना, ये अंडर वोल्टेज बता रहा है, 190 वोल्ट हम लोगों ने इसमें सेट किया हुआ है। अब अगर मैं अपना अंडर वोल्टेज और कम कर दूं, मान के चलो मैं यहाँ पे 180 वोल्ट कर दूं, तो ये 180 वोल्ट हम लोगों का सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस को यूज़ हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को देखने के लिए भी हम लोग इन बटन्स को यूज कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग जब ये ब्लिंक कर रहे हों उस टाइम पे अगर हम लोग इन बटन्स को यूज करेंगे तो हम लोग इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो ये 3 लाइन वाला जो बटन है, अगर हम लोग इस बटन को यहाँ पे प्रेस करते हैं तो पैरामीटर्स आ जाते हैं हम लोगों के। फर्स्ट मतलब एक बार अगर हम लोग इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमको TON इस तरीके से ये शो करते हैं, तो यहाँ पे डिले टाइम बताएगा कि भाई आप डिले टाइम यहाँ पे कितना डाल सकते हो। जो फैक्ट्री सेटिंग है वो यहाँ पे 3 सेकंड डाला हुआ है, ठीक है, और इसमें मैक्सिमम आप लोग 600 सेकंड तक की सेटिंग इसमें आप लोग डाल सकते हो। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि अगर आप मान के चलो इस वोल्टेज रिले को किसी कंप्रेसर वगैरह के साथ में अगर मान लो कनेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जो डिले टाइम है वो 120 से 180 सेकंड के आसपास रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हम लोगों का कंप्रेसर होता है उसकी सर्विस लाइफ इंक्रीज होती है, ठीक है। और हम लोग क्या काम करते हैं, जब हम लोग वोल्टेज रिले को यूज़ करते हैं तो हम लोग डिले टाइम स्टार्टिंग में डिले टाइम थोड़ा सा हम लोग बढ़ा के रखते हैं, 3 सेकंड 4 सेकंड का इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिले टाइम रखते हैं। उसका कारण ये होता है कि जब पावर फेलियर के बाद वापस से जब पावर आती है तो उस टाइम पे वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, और जब वो हल्का सा जो ज़्यादा वोल्टेज है वो हमारे होम अप्लाइंसेस या हमारी मशीनों के मतलब मशीनों में अगर मान लो वो हाई वोल्टेज जाएगा तो उससे हमारी मशीनें डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, और अगर डैमेज नहीं भी होंगे तो वो हमारी मशीनों की लाइफ को कम कर देंगे, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे डिले टाइम डाल देते हैं, ठीक है। जो भी डिले टाइम आप लोगों को डालना हो, 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, मिनिमम 3 सेकंड यहाँ पे मैन्युफैक्चरर देता है कि भाई 3 सेकंड से कम आप लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है। 3 सेकंड से लेकर के 600 सेकंड तक आप लोग यहाँ पे सिंपली अपना डिले टाइम रख सकते हो। उसके बाद अगला जो काम का पैरामीटर है हम लोगों का वो है यहाँ पे करेक्शन ऑफ वोल्टेज का, ठीक है, COR। आप लोग इसको 2 बार प्रेस करो, यहाँ पे COR लिखा हुआ होगा। प्लस के बटन पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिलहाल 0 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये 0 पे ब्लिंक कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलो आपने वोल्टेज रिले के साथ में कोई यहाँ पे वोल्ट मीटर भी लगा रखा है या फिर अदर जो आपके वोल्टेज मेजरिंग इक्विपमेंट्स हैं
या फिर वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस हैं, वहाँ पे अगर आपको वोल्टेज मान, यहाँ पे तो 202 दिखा रहा है, वहाँ पे मान के चलो वोल्टेज आपको 210 दिखा रहा है, ठीक है, या फिर 202 या 205 दिखा रहा है मान के चलो, तो 3 वोल्ट का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो आप लोग उस 3 वोल्ट के डिफरेंस को यहाँ पे मैच कर सकते हो। दो बार प्रेस करो, COR लिखा है, प्लस पे क्लिक करो, जितना वोल्टेज का डिफरेंस है वो वोल्टेज आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे प्लस माइनस आप लोग 20 वोल्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको कंटिन्यू प्रेस करके रखूँ तो यहाँ पे 20 वोल्ट ही प्लस में जाएगा और 20 वोल्ट ही हम लोग इसको माइनस में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये माइनस में 20 वोल्ट अभी ये ब्लिंक कर रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 0 वोल्ट ही रहने देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ और यहाँ पे काम की सेटिंग्स हैं। यहाँ पे अगर जो ये डिस्प्ले आप लोगों को दिख रही है, इसकी ब्राइटनेस आप लोग कम ज़्यादा करना चाहो तो वो आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे हिस्टेरेसिस की सेटिंग्स हैं, वो आप लोग करना चाहो तो वो आप लोग कर सकते हो। डिले टाइप ऑफ लोड स्टार्टिंग, ठीक है, वो अगर आप लोग यहाँ पे डालना चाहो तो वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। और ब्रेक टाइम ऑन वोल्टेज डिप, तो जो वोल्टेज डिप होता है, ठीक है, यानी कि ब्रेक टाइम जो होता है वोल्टेज डिप में, वो अगर आप लोग उसकी सेटिंग यहाँ पे करना चाहो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। सिंपली इसको 4 टाइम प्रेस कर लो, ठीक है, ये होगा अपना, ओके। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे प्लस के इस आइकन को अगर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ जो हैं वो शो होने लगेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग उसके बाद चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये 2 पॉइंट समथिंग इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अगेन सेम यहाँ पे रहने देता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और सेटिंग यहाँ पे है हम लोगों के पास कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो 7 टाइम अगर मैं इसको प्रेस करूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे प्रेस करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटेक्शन कितने चाहिए आप लोगों को, वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, कि भाई कितनी बार ये ट्रिप होगा। तो यहाँ पे आपका या तो इसको आप लोग ऑफ रख सकते हो, ठीक है, कि भाई जब मतलब ये ट्रिप होता है या नहीं, एंड यहाँ पे मैक्सिमम आप लोग 5 टाइम्स इसको कर सकते हो। तो फिलहाल ये फैक्ट्री सेटिंग इसकी 3 है, मैं 3 रहने देता हूँ यहाँ पे। और अगर मैं इसको अगेन यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो BRI यहाँ पे शो करेगा, ये ब्राइटनेस है, अभी फिलहाल यहाँ पे 100% है। अगर ब्राइटनेस इसकी कम ज़्यादा करनी हो आप लोगों को तो इस तरीके से आप लोग इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये तो था हम लोगों का सिंगल फेस का एक वोल्टेज रिले, जो कि हम लोगों को ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन देते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें 3 फेज की, तो इसको मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। अब यहाँ पे 198 वोल्ट दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज अगेन कम कर देता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, वैसे 180 वोल्ट के आसपास किया था मैंने, ठीक है, ये देखो ट्रिप हो गया। अगेन यहाँ पे मैं यहाँ पे नॉर्मल वोल्टेज पे लेके आऊँगा तो आपको देखने को मिलेगा, ये अभी ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो गया, ठीक है, और ओवर वोल्टेज पे लेके जाएंगे तो भी ये यहाँ पे ट्रिप हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें अपने 3 फेज की, तो 3 फेज में देखो क्या है ना, एक तो ये डिस्प्ले इन लोगों ने थोड़ी सी चेंज कर दी इसकी, बाकी बटन सब कुछ सेम है, और एक जो ये वाला बटन है ये ट्रिपिंग काउंटर के लिए है, ओके। एंड यहाँ पे थ्री फेज में यहाँ पे L1, L2, L3 हम लोगों ने इनपुट लाइन कनेक्ट करनी है और यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा, और एक यहाँ पे न्यूट्रल का और टर्मिनल है, यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट करना है। बाकी की जो सेटिंग्स हैं सेटिंग्स सारी सेम रहेंगी। और ये 3 फेज है तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे, जैसे कि फेज अनबैलेंस हो गया, फेज सिक्वेंस हो गया, तो उसकी सेटिंग्स रहेंगी। बाकी जो हम लोगों का बाकी जो सेटिंग्स हैं वो नॉर्मल सब कुछ सेम रहेगा इसमें, और जो पैरामीटर्स वगैरह सेट करने का जो तरीका है वो सब कुछ इन बटन्स की हेल्प से सेम रहेगा। बाकी 3 फेज के जो कनेक्शंस या इसके जो सेटिंग्स वगैरह हैं वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।